दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं आपका फ्रेंड पीयूष गुप्ता फिर से लेके आ गया हूं आपके लिए एक अमेजिंग वीडियो। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं ऐसे टॉप 9 हिडन फीचर्स यूट्यूब के, जो कि ज़्यादातर लोग नहीं जानते और जो जानते हैं इसका यूज़ नहीं करते। यूट्यूब एक ऐसा एप्लीकेशन ही है जो कि हम सब यूज़ करते हैं, यहाँ तक कि आप मेरा वीडियो भी यूट्यूब पर ही देख रहे हैं, तो इसके फीचर्स जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, एम रखते हैं हम 200 लाइक्स का, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो। और हाँ, अगर बहुत ज़्यादा अच्छी लग जाए तो सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना, इट्स टोटली फ्री। तो दोस्तों बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट। दोस्तों इंडिया के ट्रेंडिंग पेज के बारे में हम सब जानते हैं, बट समटाइम हमारे दिल में एक ख्याल आता है कि काश हम दूसरे देशों में क्या ट्रेंडिंग है वो देख सकें। तो ऐसा पॉसिबल है। आपको क्या करना है, सिंपली आपको ऊपर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ऊपर के ऑप्शन पे आप जैसे क्लिक करेंगे आपको सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आपके सामने जनरल का ऑप्शन आएगा, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आपको लोकेशन का ऑप्शन मिल जाता है जिसमें आपकी कंट्री रहती है। आपको क्या करना है, उसके ऊपर क्लिक करना है और अपनी लोकेशन जो भी आप चाहते हैं वहाँ पर चूज़ कर लेनी है। मीन्स आपको कोई भी कंट्री जिसका आपको ट्रेंडिंग पेज देखना है वो आप चूज़ कर लीजिए। लाइक मैं पाकिस्तान चूज़ कर लेता हूँ। पाकिस्तान चूज़ करने के बाद मैं जैसे ही वापस आता हूँ ट्रेंडिंग पेज की ओर, तो मुझे देखने को मिल जाता है कि पाकिस्तान में भी इस टाइम क्या क्या ट्रेंडिंग पे चल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पाकिस्तान के ट्रेंडिंग पेज मेरे सामने आ गया है। दोस्तों YouTube पे जो आप वीडियो देखते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लीजिए, सारी मतलब सब कुछ इन्फॉर्मेशन, आप उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आप निकाल लीजिए, तो उसके लिए क्या करना है, आपको पीछे आ जाना है। पीछे आ जाने के बाद आपको क्या करना है कि आपको ऊपर के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको जनरल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर आपको लास्ट में ऑप्शन मिलता है इनेबल स्टेट्स फॉर नर्ड्स, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जैसे ही आप उसको इनेबल कर देते हैं, इनेबल करने के बाद आपको वापस अपने वीडियो की ओर आ जाना है। फिर आपको थ्री डॉट्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे वहाँ पे फिर आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है स्टैट्स फॉर नर्ड्स। आप इसके ऊपर जब जैसे क्लिक करते हैं तो उस वीडियो की सारी इन्फॉर्मेशन मीन सब कुछ आपको मिल जाती है। ये बहुत ही दोस्तों समटाइम्स जब भी हम कभी यूट्यूब पर कोई इंग्लिश लेक्चर या फिर कोई भी इंग्लिश वीडियो देखते हैं तो हमसे कुछ इंग्लिश के वर्ड मिस हो जाते हैं या फिर कुछ चीज़ें हमें नहीं समझ में आती। तो ऐसे टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना है, सिंपली हमें क्या ऊपर थ्री डॉट्स का ऑप्शन मिल जाता है उस पर क्लिक करना है। फिर कैप्शन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। कैप्शन ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपको इंग्लिश ऑटो जनरेटेड का ऑप्शन मिल जाता है। उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके वीडियो में सबटाइटल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे जैसे वीडियो में बोला जाता है वैसे वैसे ये सबटाइटल्स चलते रहते हैं। मान लीजिए अगर इन सबटाइटल्स को अभी आपको हटाना है तो आपको भी सेम वही प्रोसेस दोबारा करना होगा। मींस आपको दोबारा थ्री डॉट्स पे जाना है। थ्री डॉट्स पे जाने के बाद आपको कैप्शन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको टर्न ऑफ कैप्शन पे क्लिक कर देना है। ये करते ही वो कैप्शन फिर से हट जाएंगे। तो दोस्तों इसका जो नेक्स्ट फीचर है वो है सर्च फिल्टर। मींस अगर आप मान लीजिए कोई वीडियोस एज एग्जांपल सर्च करते हैं, लाइक मैं सर्च कर लेता हूँ टेक न्यूज़। जैसे ही मैं सर्च करता हूँ तो मेरे सामने कुछ वीडियोस जो ये रिकमेंड करता है वो काफ़ी पुराने वीडियोस रिकमेंड करता है, जैसे थ्री डेज अगो, वन ईयर अगो, फोर्थ मंथ अगो। मींस ये पुराने वीडियोस रिकमेंड कर रहा है जो कि अब मेरे लिए कोई भी इसका यूज़ नहीं है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, हमें ऊपर थ्री लाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद हमें अपलोड डेट का ऑप्शन मिल जाता है, जिसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें टुडे के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद हम जब उसे अप्लाई करते हैं तो हमारे सामने जो मीन्स आज ही वीडियोस अपलोड हुए हैं वो सारे वीडियोस हमारे सामने आ जाते हैं। तो इस तरह आप लेटेस्ट अपलोडेड वीडियोस देख सकते हैं। तो समटाइम्स जब भी हम यूट्यूब पे या फिर होम पेज पे जब कोई वीडियो सर्च करते हैं तो कुछ ऐसे वीडियोस वो रिकमेंड कर देता है जो कि सही नहीं होते। तो जब भी हम अपने से छोटे को किसी को फ़ोन देते हैं तो हमें डर रहता है कि कहीं वो गलती से उन वीडियोस को खोल ना ले। सॉरी मैं आपको एग्जांपल नहीं दिखा पाऊंगा, बट ऐसे में हमें क्या करना चाहिए कि हमें ऊपर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उस पे क्लिक करने के बाद हमें सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको जनरल का ऑप्शन मिल जाता है, उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको रिस्ट्रिक्टेड मोड का ऑप्शन मिल जाता है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वो इनेबल हो जाएगा। उसके बाद फिर जब आप वापस जाएंगे या फिर कभी भी आप सर्च करेंगे वीडियोस, तो अगर ऐसे वीडियोस मान लीजिए आ भी जाते हैं तो वो वीडियोस प्ले नहीं होंगे। तो ये बहुत ही बड़ा बेनिफिशियल फीचर है यूट्यूब का।
दोस्तों यूट्यूब पे वीडियो देखते टाइम समटाइम हमारे मन में आता है कि लॉ कुछ एंटरटेनमेंट करें, तो इसके लिए भी एक ऑप्शन है यूट्यूब में। आपको क्या करना है, आपको सिंपली ऊपर थ्री डॉट्स का ऑप्शन मिल जाता है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर प्लेबैक स्पीड में आपको अपने हिसाब से स्पीड चूज़ कर लेनी है, जो भी आपको स्पीड चाहिए। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से चेंजेस आ गए, जो कि क्वाइट फनी लग रहा है। तो इस तरह आप स्पीड को चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आप स्लो भी कर सकते हैं। सेम प्रोसेस अपना के आप धीमे कर लीजिए तो और धीमे हो सकता है। इसके काफ़ी यूज़फुल वर्क्स भी हैं, आप अगर यूज़ करना चाहें तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों YouTube पे जब हम कोई वीडियो देखते हैं, तो मान लीजिए हमें वीडियो को आगे पीछे करना है, तो हम क्या करते हैं, सिंपली जो रेड लाइन होती है नीचे, हम उस रेड लाइन पे क्लिक करते हैं, मीन्स उसको आगे पीछे एक्सटेंड कर देते हैं। करते थे बट अब तो हम डायरेक्ट 10 सेकेंड्स मीन्स डबल टैप करके आगे पीछे कर लेते हैं। लाइक जैसे अब मैंने यहाँ पे डबल टैप करूँ, जैसे मैंने डबल टैप किया तो ये वीडियो आगे हो गया, डबल टैप करते करते वो वीडियो आगे चला जाता है, डबल टैप करते हैं तो पीछे हो जाता है वीडियो। अब हम लोग डबल टैप ही करते हैं, बट जो हम डबल टैप करके फॉरवर्ड या फिर पीछे जाके बैकवर्ड करते हैं, मैं कहूँ उस टाइम लिमिट को आप चेंज कर सकते हैं। तो ये पॉसिबल है। आपको क्या करना है, आपको जनरल पे जाना है। कैसे जाना है मैंने पहले बता दिया आपको। अब फिर आपको डबल टैप टू सीक पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको बहुत सारे टाइम लिमिट मिल जाते हैं, लाइक 20 सेकंड, 30 सेकंड, आप जो भी चाहिए। मैं 20 सेकंड चूज़ कर लेता हूँ। फिर वहाँ पे चूज़ करने के बाद हम डायरेक्ट जब भी वीडियो चलाएंगे, लाइक मैंने चला दिया अपना वीडियो, इस वीडियो को चलाने के बाद जब मैं अगर डबल टैप करता हूँ तो वीडियो डायरेक्ट 20 सेकंड्स आगे बढ़ता है। यहाँ वो 10 सेकंड्स होता था, 20 सेकंड्स अब बढ़ने लगा, 20 सेकंड बैकवर्ड। तो इस तरह आप वीडियो में जो डिफरेंस आता है उसकी लिमिट को भी चेंज कर सकते हैं डबल टैप। दोस्तों YouTube पर हम जो भी देखते हैं या फिर कुछ भी जो भी हम सर्च करते हैं, वो सब हमारा सर्च हिस्ट्री और वॉच हिस्ट्री में जाकर सेव हो जाता है। तो अगर हम चाहते हैं कि वो सब हमारा जो भी हमने सर्च किया वो सब ना सेव हो या फिर कोई भी और ना देख सके, तो उसके लिए आपको ऊपर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको हिस्ट्री और प्राइवेसी के नाम का ऑप्शन मिलता है, जिस पर क्लिक करने के बाद आपको पॉज वॉच और सर्च हिस्ट्री को इनेबल कर देना है। ये इनेबल करते ही जो भी आप सर्च करेंगे वो सब कोई भी और नहीं देख सकेगा, वो सेव नहीं होगा। तो दोस्तों अब आ गए हैं अपने लास्ट फीचर, यानी कि 360 डिग्री वीडियो, जो कि मीन्स अगर आपने अभी तक इसका मज़ा नहीं उठाया तो आपने YouTube में कुछ भी नहीं किया। तो उसके लिए क्या करना है, आपको सिंपली सर्च पे जाना है। सर्च पे जाने के बाद आपको सर्च कर लेना है 360 डिग्री वीडियो। इतना आप जैसे ही सर्च करते हैं तो आपके सामने बहुत सारी कैटेगरीज वैसे ही दे देता है रिसेंट में। आपको वो सर्च मीन सॉन्ग्स में चूज़ कर लूँ, तो अगर मैं सॉन्ग्स एक काम करता हूँ, मैं आपको सॉन्ग्स नहीं, मैं आपको हॉरर वीडियोज़ दिखाता हूँ, 360 डिग्री वीडियोज़ हॉरर। अगर मैं हॉरर वीडियो आपको दिखाता हूँ तो इसमें मींस हॉरर वीडियोस का एक अलग मज़ा है, मींस इसके साउंड इफेक्ट अगर आप हेडफोन लेकर यूज़ करते हैं। और 360 डिग्री वीडियोस का मतलब क्या है, मतलब ये है कि आप इन वीडियोस को पूरी तरह से अपनी फिंगर्स पर चला सकते हैं, पूरी तरह से रोटेट कर सकते हैं, जिस तरह आप चाहें उस तरह वीडियो को मोड़ सकते हैं। लाइक आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं स्क्रीन पर अपनी फिंगर्स रोटेट कर रहा हूँ, वैसे वैसे ये पूरी तरह से वीडियो भी रोटेट हो रहा है। तो दोस्तों ये बहुत ही मज़ेदार फीचर है यूट्यूब का, मुझे तो बहुत पसंद आया। अगर आपको पसंद आया ये फीचर तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। और हाँ, सबसे मेन सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना।